क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत एक बार फिर हम लोग एक्सरसाइज हल कर रहे हैं और आज क्वेश्चन नंबर 2.17 को हल करने के लिए जा रहे हैं। कहता है कि रैखिक आवेश घनत्व लेमडा वाला एक लंबा आवेशित बेलन एक खोखले संपाचीय चालन बेलन द्वारा घिरा है, दोनों बेलनों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। एक बार फिर ये दोनों बेलन है, एक ही में दो बेलन दिखाया गया है, फिर इसका वैद्युत क्षेत्र यानी ई का मान आपसे पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, कहता है कि रैखिक आवेश घनत्व लेमडा वाला एक लंबा आवेशित बेलन एक खोखले संपाचीय चालन बेलन द्वारा घिरा है, दोनों बेलनों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। वही विद्युत क्षेत्र आपको क्या करना है, निकालना है। आइए निकालते हैं इसको। आप गॉस का प्रमेय का यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले जब बेलन की बात करता है तो देखिए एक ये आंतरिक बेलन है, इस तरीके की संरचना जिसके ऊपर प्लस आवेश दर्शाया गया है, यानी एक आंतरिक बेलन है जिसके ऊपर प्लस आवेश है। इसके बाहर भी एक बेलन आपको दर्शाया हुआ दिखाई देता है, दो बेलन है। और आपको याद होगा कि फाई बराबर ई इंटू ए होता है, याद करो फाई बराबर ई इंटू ए, एक जगह पर डी एस, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ई इंटू डी एस बराबर, और आपने पढ़ा होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ई समाकलन डी एस बराबर, यहाँ पर क्यू के बराबर आप पढ़े भी थे ना, एक पढ़े थे लेमडा बराबर क्यू बटा एल, तो गुणा करेंगे तो क्यू बराबर लेमडा एल, तो हो जाएगा ई, और यहाँ क्षेत्रफल है। और जब आप देख ही रहे हैं कि बेलन आपके पास है, तो बेलन के लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो डी एस का मान होगा वह होगा 2πrl, याद करो 2πrl, और यहाँ पर क्या हो गया लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। लेमडा एल कहाँ से आया यार, यहाँ से क्यू, लेमडा बराबर क्यू बटे एल पढ़े तो क्यू बराबर लेमडा एल, तो जहाँ क्यू होगा तहाँ लेमडा एल, अच्छा यहाँ भी तो जहाँ डी एस है तहाँ पर 2πrl हो जाएगा, एल सी एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर आपका लेमडा बटा में 2πεr हो जाएगा, ई बराबर लेमडा बटा में 2πεr। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 17 था जो कि वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा था, तो आपने वैद्युत क्षेत्र ई बराबर निकाल दिया लेमडा बटा 2πεr, इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। धन्यवाद।